अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? खुदा के फजल से आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और संडे का दिन है, सबत का दिन है, तो खुदा ने सबत के दिन को पाक ठहराया और खुदा ने कहा कि सबत के दिन को पाक मानो तो तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और खुदावंद का शुक्र के सब सलामती से हैं और उम्मीद करती हूँ खुदा के फजल से आप भी सलामती से होंगे। और अब मैं बना रही हूँ संडे का सुबह का नाश्ता। आज बच्चों ने चर्च जाने के लिए कह रहे थे कि हमें मीठे टोस्ट बना के दो, तो ये मेरी चाय भी पक रही है और साथ साथ, और ये देखें ये मेरे ये हैं मीठे टोस्ट का, मैंने इनको आज नाश्ता बना के दे रही हूँ। तो कह रहे थे कि नाश्ता करके हम लोग चर्च जाएंगे मामा। तो कभी कभी होता है ना, बच्चों का मूड होता है तो सब बच्चे उठ चुके हैं, तो मैंने सोचा फ्रेश बनाऊंगी जब ये सब उठेंगे। तो सब उठ गए, अब ये तैयार होंगे, तो ये नाश्ता करके चाय वगैरह पी के फिर चर्च जाएंगे और सुलेमान के काम देख लें। सुलेमान उतर जाओ ना बाबा। हाँ तो चूचू भी जाएगा, जुग्गू भी, तो मिट्टू भी, सब हाय करो बाबा, हाय करो। हमारा तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, जैसे कि मम्मा ने आपके साथ पूरी वीडियो शेयर की। हम लोगों ने आज, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मैं दो दिन हो गए हैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मेरी आवाज़ भी आप देख सकते हैं कितनी बुरी हो रही है, और इसलिए अभी हम लोग चर्च जाने लगे हैं। मम्मा भी रेडी हो रही हैं, वो भी बस सलमान हाय करो, वो देखे वो मेरे टेडी बेयर के ऊपर बैठा हुआ है। सलमान हटो, वो रोने लग जाएगा मेरा टेडी बेयर। तो अब हम जब चर्च जाएंगे तो आपके साथ पूरी डिटेल वगैरह शेयर करेंगे, और ताकि मतलब हमारी मम्मा तो हमें हर संडे चर्च लेके जाती हैं, चाहे वेनिसडे हो, चाहे फ्राइडे हो, चाहे संडे हो, हम लोग हर एवरी वेनिसडे हम लोग चर्च आते हैं, क्योंकि हमारी मम्मा जो है वो बहुत रिलीजियस हैं और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब खुदा पे बहुत बिलीव करती हैं, क्योंकि अब मतलब मम्मा चाहती हैं कि हम भी उन जैसी हों, मतलब हमें कलाम की हर एक बातें पता चले। और जैसे कि आप मेरे बारे में भी जानते हैं, खुदा ने मुझे भी अपने नाम से मतलब भरा है, खुदा ने मुझे भी अपना पाखरू दिया है, और तो अब मतलब मम्मा भी ये चाहती हैं कि मतलब हम जो उनके बच्चे हैं उनकी तरह ही निकले, ताकि हम जो है मतलब पूरी, जैसे मेरी मम्मा है दुआ में और मतलब लोगों के लिए दुआ करती हैं, और लोग मतलब मम्मा को बोलते भी हैं कि आप प्लीज़ हमारे लिए प्रे करें, ताकि मतलब हमारे जो मतलब हमारी जो तो मुश्किलें वगैरह होती हैं तो मम्मा उनके लिए दुआ करती हैं, तो खुदा उनके हालातों को सब सेट करते हैं। तो इसलिए मतलब मम्मा ये चाहती हैं कि जैसे मम्मा है वैसे हम भी हों, और हम भी ये दुआ करते हैं वैसे, और हमें भी यही मतलब हम भी ये दुआ करते हैं कि जैसे मम्मा है वैसे हम भी हों, ताकि हम जो है वो कलाम की तरफ जाएं, कलाम की तरफ मतलब अपने आप को हम भी रिलीजियस बन सकें, ताकि मतलब लोग जब हमसे पूछें तो हम मतलब अपने खुदा के बारे में उनको बता सकें। तो अब हम देखें, मेरी मम्मा रेडी हो रही हैं और अभी हम लोग चर्च जाने लगे हैं, और आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है और मतलब हमारे नेक्स्ट व्लॉग का भी इंतज़ार करना है, तो क्योंकि मेरी कज़न की शादी है, मेरे मामू की बेटे की बेटी की उनकी शादी है, और मम्मा जाएंगी आज उसका जहेज लेने, और हमारे भी कपड़े वगैरह लेने के लिए जाएंगी, और आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप आने वाली वीडियो और और हमारी जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम जब मेरी कज़न की शादी होगी तब हम आपकी उसकी हर एक डिटेल आपको देंगे, ताकि मतलब आप हम आपको मतलब एक जिसको कहते हैं ना क्रेजी, आपको हम वो करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ आपके साथ चर्च में जाके मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय। तो हम
सबसे पहले क्या करते हैं, किसी के भी तजर्बे से बात गुजरी हो मुझे बता सकता है। हम पर दुख और परेशानी आती तो हम क्या करते हैं, जरा उच्ची आवाज जी, खुदा से गिरे शुक्र जी। कोई और जब उस स्टोरी को पढ़ते रहा तो वहां पे लिखा है यूसुफ डरा, डरने के बाद किस पे झुका, दुआ में और इकरार करता है, ए खुदा बंदा मेरी अकल कुछ नहीं है, है वो यहूदा का बादशाह, क्या उसके पास जायदाद कम होगी, कितनी जायदाद होगी, बादशाह के पास कितना होगा, हमारे वजीर आजम के पास कितना पैसा होगा, कितना बैंक बैलेंस होगा, लेकिन लिखा है कि वो चुप गया और उसने कहा पूरी कौम दुआ करे, रोजे में झुक जाए, ये पूरी उसकी दुआ है। जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलता चले